जब हम बूलियन एल्जेब्रा पढ़ना शुरू कर रहे थे तो हमने ये बात किया था कि बूलियन एल्जेब्रा को हम डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग में यूज करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सर्किट को हम छोटा कॉम्पैक्ट बना सके। तो कैसा होगा अगर आप इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम बूलियन एल्जेब्रा को यूज करते हुए एक बड़ा सा सर्किट को थोड़ा छोटा बना देंगे। ये ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगा और इसका कॉस्टिंग भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना होगा कि बूलियन एल्जेब्रा का जो बेसिक पोस्टुलेट्स और जो बेसिक थियोरम्स है वो क्या क्या है। तो इन सब चीजों पे हमने बात किया था, हमने इसके चार पोस्टुलेट्स और इन थियोरम्स पे इससे पहले बात किया है, तो मुझे लगता है कि आप इसे जोट डाउन कर रखे हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो आप रेफरेंस के तौर पर उसे देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे यहां से मिटा दूंगा। और एग्जाम्पल के तौर पे एक बूलियन फंक्शन हम मानेंगे, बाइनरी फंक्शन कुछ ऐसा कि x और x नॉट y। तो ये जो बूलियन फंक्शन है इसे अगर सर्किट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो डिजिटल सर्किट बनेगा वो कैसा सर्किट बनेगा। इससे पहले हमने लॉजिक गेट्स पे काफी बात किया है एक वीडियो पे, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, वहां से हो सके तो आप उसे देख लेंगे। मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया लॉजिक गेट्स के बारे में आपका है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसे अगर डिजाइन किया जाएगा तो कैसे डिजाइन किया जाएगा। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। यहां जो x नॉट है ये x का ही कॉम्प्लीमेंट है, सो हम उसे पलट सकते हैं, x का वैल्यू को ही पलट देंगे तो x नॉट बन जाएगा। सो x और y दो इनपुट लाइंस हमें चाहिए होगा यहां पर। सो एक इनपुट लाइन इसे हमने नाम दे दिया x, और ये दूसरा इनपुट लाइन इसे हमने नाम दे दिया y। सो ये x और ये y। देखिए x का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, y का भी वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। अब इन रियलिटी डिजिटल सर्किट में होता क्या है कि अगर कहीं पर वोल्टेज रहता है, यहां पर मान ले अभी वोल्टेज है, तो हम इसे वन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे वन मान लेते हैं। और मान ले यहां पर वोल्टेज नहीं है अभी, तो इसे जीरो से इंडिकेट किया जाता है, इसे जीरो माना जाता है। और उसी तरह से मान ले यहां पर वोल्टेज है, यहां पर नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। सो इसी तरह से सर्किट बनता है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, हमें इस का जो डिजिटल सर्किट है वो बनाना होगा, इस एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमें मिल गया एक्स और वाई दो इनपुट लाइंस। अब देखे क्या करना होगा, यहां पर आप अज्यूम कर सकते हैं, चूंकि यहां पर एंड ऑपरेटर है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं, चूंकि एंड का प्रेसिडेंस और से ज्यादा होता है तो ये ऑपरेशन जो होगा ये पहले होगा। वैसे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि एंड जो है ये पहले ऑपरेटेड होगा। आपके समझने के लिए मैं यहां पर पैरेंथेसिस लगा देता हूं। तो ये ऑपरेशन जो है ये पहले होगा, एक्स नॉट एंड वाई, फिर उसके साथ, फिर इस पूरे के साथ और ऑपरेशन होगा एक्स का। तो हमें एक्स नॉट एंड वाई चाहिए। सो यहां से सबसे पहले ये तो एक्स का इनपुट लाइन है, इसे पलटना होगा। तो इसे पलटने के लिए यहीं से हम एक लाइन निकाल देंगे कुछ ऐसे, और यहां से इसे हम पास करेंगे। ये क्या है, वैसे ये जो लाइन है ये एक्स का ही वैल्यू दिखाएगा, एक्स में अगर वोल्टेज रहेगा तो यहां भी वोल्टेज रहेगा। सो ये एक्स का ही वैल्यू रहेगा, इसे अभी पलटना है। तो पलटने के लिए हम यूज करते हैं नॉट गेट। सो डिजिटल सर्किट में नॉट गेट यूज किया जाता है पलटने के लिए, तो यहां हमने नॉट गेट यूज किया। अब यहां से आगे जो भी यहां पर हमें दिखेगा वो एक्स नॉट का वैल्यू होगा। अब देखिए ये जो एक्स नॉट है और ये जो वाई है, इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन होगा। तो एंड ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए होगा एक एंड गेट। सो इन दोनों को हम पास करेंगे एक एंड गेट से। सो एंड गेट कुछ ऐसा, ऐसा इसका डायग्राम होता है एंड गेट का। सो इसे हमने एंड गेट से पार कर दिया। तो यहां हमें जो दिखा अभी, यहां पर जो भी वैल्यू दिखेगा वो बराबर होगा एक्स नॉट एंड वाई के। अब इसके साथ एक्स का होगा और ऑपरेशन। तो यहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्स का लाइन था, यहां से आगे बढ़ते हुए हम इसे पार कर देंगे, इन दोनों को पार करेंगे एक और गेट से। सो यहां से हम इन दोनों को और गेट से कुछ ऐसे पार करेंगे। तो फाइनली हमें यहां पर जो दिखा, यहां पर जो भी दिखेगा वो बराबर होगा एक्स और एक्स नॉट
एंड वाई के। तो यहां इस सर्किट में देखिए हमने 1, 2, 3 लॉजिक गेट्स यूज किया है। सेम चीज अगर हम बूलियन एल्जेब्रा यूज करते हैं तो सेम आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ गेट्स होंगे वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, इससे होगा क्या, इससे कॉस्टिंग कम हो जाएगा, इससे इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, दैट मीन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा जगह भी कम लेगा। सो कैसे हम इसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं यही किसके इक्विवेलेंट होगा फिर। सो यहां से एक्स और एक्स नॉट एंड वाई, यहां अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो आप यहां से कह सकते हैं ये बराबर होगा एक्स और एक्स नॉट एंड एक्स और वाई के। आप एक बार देख ले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पर हम लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। हमें पता है एक्स और एक्स नॉट इसका वैल्यू 1 होता है हमेशा, तो यहां से आगे हम कह सकते हैं ये होगा 1 एंड एक्स और वाई। अब देखिए कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी बाइनरी वेरिएबल हो या फिर कोई बाइनरी एक्सप्रेशन हो, बूलियन एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल हो उसके साथ अगर 1 का एंड ऑपरेशन होता है तो फाइनल वैल्यू उसी वेरिएबल का होता है। दैट मीन इन दोनों का ऑपरेशन में फाइनल वैल्यू यही होगा। तो यहां से हम आगे कह सकते हैं ये बराबर हो गया एक्स और वाई के। तो यहां पर देखिए ये हमें जो आउटपुट दे रहा है ये भी वही सेम आउटपुट देगा। तो यहां सर्किट कैसा बन जाएगा, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका सर्किट जो काम करेगा इसका भी सर्किट वही काम करेगा। तो यही सेम काम, सेम टास्क हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक्स का इनपुट लाइन हो गया, ये वाई का इनपुट लाइन हो गया, इन दोनों को आप पार कर दे एक और गेट से, एक्स और वाई के वैल्यू को या इन दोनों के इनपुट्स को आप पार कर दें एक और गेट से। सो यहां हमने और गेट से पार कर दिया, आउटपुट हमें मिला एक्स और वाई। तो ये एक्स का इनपुट लाइन था, ये वाई का इनपुट लाइन था। सो हमने देखा सेम टास्क ये जो काम करेगा वही सेम टास्क ये भी करेगा। इस केस में हमें 3 गेट्स यूज करना पड़ा था, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक गेट यूज कर रहे हैं, एक ही और गेट, बस वही काम कर दे रहा सब कुछ। एक बार टेस्ट कर लेंगे क्या इसका जो आउटपुट होगा और इसका जो आउटपुट होगा क्या दोनों आउटपुट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इसके लिए चलिए ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं और एंड का। तो अगर आप इसका आउटपुट देखते हैं, इसके 4 पॉसिबल केसेस, एक्स और वाई के 4 पॉसिबल केसेस होंगे कॉम्बिनेशन अगर आप कंसीडर करते हैं तो 4 पॉसिबल केसेस के लिए आप देख ले वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, आउटपुट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर मैं ये सिंपली एक्स का वैल्यू यहां लिखूंगा मैं, और वाई का वैल्यू यहां पर लिखूंगा, और यहां पर एक्स नॉट का वैल्यू लिखूंगा, यहां पर एक्स नॉट एंड वाई का वैल्यू लिखूंगा, और ये फाइनल वैल्यू यहां पर लिखूंगा। सो यहां पर एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, फिर एक्स नॉट का वैल्यू, फिर एक्स नॉट एंड वाई का वैल्यू, और फाइनली हम यहां पर लिखेंगे एक्स और एक्स नॉट एंड वाई का वैल्यू। पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं यहां पर, यहां पर आप देखें एक्स जीरो वाई जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये वन, यही है पॉसिबल केसेस। अब एक्स नॉट के कॉलम में हम क्या करेंगे, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो एक्स नॉट जो है, जो कि कॉम्प्लीमेंट है एक्स का, उसी का उल्टा होगा, वन होगा। जीरो यहां भी वन, यहां पर वन तो यहां जीरो, सिमिलरली यहां वन तो यहां जीरो। अब देखें ये क्या है, एक्स नॉट एंड वाई, मतलब इन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा। तो इन दोनों का अगर एंड ऑपरेशन होता है तो एंड के ट्रूथ टेबल से आप मैच करते हुए जाएं, जीरो एंड वन इज जीरो, वन एंड वन इज वन, जीरो एंड जीरो इज जीरो, एंड वन एंड जीरो इज जीरो। अब हम एक्स के साथ इस वैल्यू का, यहां पर देखिए एक्स के साथ इस वैल्यू का हमें करना होगा और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन यहां पर जो होगा, सो यहां इसके साथ इसका और ऑपरेशन, तो जीरो और जीरो इज जीरो, जीरो और वन इज इक्वल टू वन, और के ट्रूथ टेबल में आप देख लीजिए और का ट्रूथ टेबल है, वन और जीरो इज वन, फिर से वन और जीरो इज वन। तो ये एग्जैक्टली क्या इसी के बराबर है, एक कॉलम और बना लेते हैं यहां पर, उस कॉलम में हम एक्स और वाई का वैल्यू लिखेंगे। तो यहां एक कॉलम और,
यहां पर हम किसका वैल्यू लिखेंगे, एक्स और वाई, जो कि ये सर्किट हमें देगा आउटपुट एक्स और वाई. एक्स और वाई दैट मीन सिंपली आप ट्रूथ टेबल से देखें, जीरो और जीरो इज जीरो, जीरो और वन इज वन, वन और जीरो इज वन, एंड वन और वन इज वन. यहां पर देखो वन और वन, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स और वाई. तो आप अगर मैच करते हैं इसे और इसे, तो आप पाएंगे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है. हमने ये बूलियन एल्जेब्रा के जो थ्योरम्स है, पॉस्टुलेट्स है, उन्हें यूज करते हुए भी देखा था और यहां ट्रुथ टेबल में भी देख लिया. तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो सर्किट है जो काम करेगा वही काम ये भी करेगा, लेकिन ये कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा और एफिशिएंट होगा, इसमें खर्चा कम होगा. सो ये सारे बेनिफिट्स है बूलियन एल्जेब्रा के. आगे हम और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करेंगे बूलियन एल्जेब्रा को यूज करते हुए. तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पर बात करेंगे. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय.